जॉइंड बाय मिस्टर बेनीवाल। बेनीवाल जी, पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्या क्या देखा? देखिए, जब शून्यकाल चल रहा था उस वक्त मेरा बोलने का नंबर था और पीछे से कुछ सांसद पीछे की ओर देख के चिल्ला रहे थे, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति उससे जिसका जल्दी से नीचे लटक रहा था, दूसरा कूद के और सांसदों के बीच चेयर पे मतलब कूदता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, चिल्लाता हुआ, और मैं आगे की ओर था और मैं पीछे गया। उस लड़के को मैंने रोका, दबोच लिया उसको। दूसरा लड़का था, उसके हाथ में कोई स्प्रे टाइप का स्प्रे कर रहा था, तो इस लड़के को दबोचा। तो उसके बाद दबोच के दबोच ले जा रहे थे और भी सांसद आ गए, शिक्षक हमें बाद में आ गए थे। तो इसने कुछ स्प्रे मुझे जुराब और जूते से निकाल के स्प्रे किया। जो पहला लड़का था, पहला लड़का था, और वो बहुत एक्टिव और स्मार्ट लड़का था, जो काबू में नहीं आ रहा था, उसको काबू में नहीं किया था। अच्छा, उस वक्त राजनाथ सिंह जी भी अंदर थे, चेयर पे राजेंद्र अग्रवाल जी थे जी, और अगर वो जहरीली गैस लाते तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च जी, नई पार्लियामेंट बना के अगर हम यहीं सुरक्षित नहीं है जी। आज से 23 साल पहले जिस तरह पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी देश के लिए, नेताओं के लिए, देश का मान बचाया, आज उसी 13 तारीख को सुनकर इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र की बू आ रही है। और ये कोई कह रहा है भाजपा सांसद की सिफारिश है, जिसकी सिफारिश जी, जहाँ चुनौती के जवाब देना चाहिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। और इसमें कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति नौ लोग जिसकी रही है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। बहुत बड़ा हड़कंप, बेनीवाल जी आपको नहीं पकड़ पाते उसको, तो चेयर तक पहुंच जाता आराम से, आराम से मेरे आगे तो खाली था ना पूरा जी, जी चला ही जाता वो। तो आपने तो बड़ी हिम्मत दिखाई पकड़ने की, कुछ भी हो सकता था उसके पास, कोई नहीं, जीवन है अपना, अपना धर्म है। तो जब आपने पकड़ा तब उसने जूते से वो निकाला है? हाँ नहीं, पकड़ के उसको जो पटक लिया ना जी, उसके बाद जब उसको घसीट के ले जा रहे तब उसने निकाला था। अच्छा, तब वो स्प्रे निकला है? नहीं किया था उसके जूते मुझे, हमने अच्छा चेक किया तो नहीं निकाल पाता, लेकिन उसको फिर थोड़ा ठीक किया वहाँ। तो शुरू में क्या लगा आपको कि कोई ऐसे गिर गया है गलती से? ना ना, वो तो चिल्लाते आ रहे थे ना, एक लेडी और एक लड़का और था उसके साथ। अच्छा, ऊपर दो और दो ये थे, चार लोग थे, दो कूदे और दो ऊपर ही रहे, दो ऊपर थे। अच्छा जी जी, तो दूसरा लड़का जो बाद में पकड़ा गया, जो दूसरे दो कूदे तो दो कूदे, दूसरे को पीछे और एमपी ने पकड़ लिया ना बाद में जी, इसको जी। जैसे ये इनका बॉस था, हाँ। इसको मैंने पकड़ा, ये बॉस था, ये बॉस था, मतलब ये गिर गया जी, इसको पटक लिया तो दूसरे वाला सरेंडर हो गया, फिर वो इस पे करने लग गया जी, उसको भी दबोच लिया। बहुत ज्यादा अंदर धुआं फैल गया था, उसके से काफी परेशानी में घबराहट भी थी सांसदों में, हड़कंप मच गया, हर कोई, वहाँ कई महिला सांसद थी, हर कोई ये देख रहा था कि ये घटना कैसे हो गई, होनी नहीं थी। अब जब भी कोई सांसद बोलेगा पार्लियामेंट में तो दर्शक दीर्घा की तरफ जरूर देखेगा, कोई बम नहीं आ जाए कोई। चलिए, बड़ी हिम्मत दिखाई बेनीवाल जी, बड़ी ट्रेजेडी होने से आपने बचाया, शुक्रिया।